वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम प्रेजेंट ब्रिंग एज आर पीरियड्स ऑथर्स। तो फ्रेंड्स, जितने हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में राइटर्स के जो हमें पोएम रचनाएं या ड्रामा वगैरह ईटीसी पढ़ने हैं, तो उन्हीं राइटर को मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ कि किस एज से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही मोस्ट है फ्रेंड। तो चलिए देखिए, चासर एज का मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत वेरी सार्ड वीडियो है कि चासर एज को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, तो वो भी एक्सप्लेन की हूँ। तो एज ऑफ चौसर जो एज इसका है 30 से 40 टू से लेकर के 15,000। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें हम थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहते हैं फ्रेंड, बट इसमें कोई राइटर्स हमको पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पे देख लेंगे कि एज ऑफ चासर राइटर्स। तो चासर्स कंटेम्पोररीज जैसे इसमें है जॉन वैक्लिप, जॉन कॉवर्स। नेक्स्ट है इमिटेटर्स कितने लोग हैं, थॉमस ओक्लिप्स, जॉन इश्कैल। टर्न्स है विलियम डम्बर, जोविन डैगलस है फ्रेंड्स। तो आई होप कि अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एलिजाबेथेन एज है, बिलोंग इसे रिनेसा पीरियड से भी जानते हैं, शेक्सपियरियन एज के नाम से जानते हैं, जो जिसका एज है पीरियड्स दिया हुआ है 15। देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर दिया हुआ है 1500, यहाँ पर 1340 से 1500 हुआ, 1500 से लेकर के 1600, फिर यहाँ पर मिल्टन योज स्टार्ट हो जाएगा 1600 से लेकर 1660, फिर एज ऑफ ड्राइडेन का स्टार्ट हो जाएगा 1660 से लेकर के 1700, फिर इस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा द एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, जो यहाँ पे 1700 से हुआ था, तो यहाँ पे 1700 से उठा लेंगे, 1700 दिया है, 98। नेक्स्ट यहाँ पे 98 से स्टार्ट हो जाएगा रोमांटिक एज जो है 1837, तो नेक्स्ट यहाँ पर विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाएगा 1837 से लेकर के 1901, और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा लास्ट है जो है द मॉडर्न एज 1901 से लेकर एनवर्ड्स। फ्रेंड प्रेजेंट टाइम देखेंगे अब किस में कौन सा पोएट है और जिनके बारे में हमें पढ़ना है उसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो देखिए, शेक्सपियरियन एज या एलिजाबेथेन एज या रिनेसा पीरियड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं ट्रिक बनाई यूनिवर्सिटी वीट्स, 7 यूनिवर्सिटी वीट्स कौन कौन से हैं, तो इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आई होप कि आप यदि नहीं देखे हैं तो आप जाकर के माई लाइफ इज ए हार्ड वर्किंग चैनल पे देख लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे 7 वीट्स हैं, यहाँ पर जॉन लीली, जॉर्ज फील, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो। आई होप के अंडरस्टूड फ्रेंड्स। इसी एज को शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं और रिनेसा पीरियड कहते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा तीसरा था कि एज ऑफ, यहाँ पे देखेंगे दिया था कि द एज ऑफ मिल्टन एज, ठीक है। तो अब मिल्टन एज के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, मिल्टन एज में दिया है स्टेरिस्ट्स ऑफ द एज, जिसमें कौन से पोएट हैं, जॉन डन है, जेसप्स हल है, वेन जॉनसन है, और इसमें मेटाफिजिकल पोएट हैं जो 6 है फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो एक मेटाफिजिकल पोएट की भी बन चुकी है, जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए प्लीज़। जो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से इजी से प्रोवाइड होते रहेंगे। देखिए हम ट्रिक बनाए हुए मेटाफिजिकल पोएट के कि डन काउक्रास ने हर्बर्ट के बैगन को ट्रांसफर किया। वेरी इजी है, आपको 7 लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर डू नॉट आई एम इंक्लूड, बट आप मेरे वीडियो पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर कोरोलाइंस लिरिसिट्स, ये जो कोरोलाइंस पोएट है जो, इनको हम देखेंगे आर हरीस और आर लॉयरलेस, जे सुक्लिंग्स और टी कॉर्लिस, जो मोस्ट करके उन्हीं को हम लिखे हुए हैं, बट जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी वीट्स हुआ और जो एक कोरोलाइंस पोएट है
मेटाफिजिकल पोएट है, कुछ तो मेटाफिजिकल के हमें पढ़ने ही है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या था पीरियड्स में। यहाँ पर देखेंगे हम मिल्टन एज के बारे में बता रहे थे। मिल्टन एज को प्यूरिटेन एज के नाम से भी जानते हैं, और इसमें मेटाफिजिकल मिल्टन एज में आ जाएंगे। मेटाफिजिकल पोएट है, कोरोलाइंस पोएट है, और ये 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे फ्रेंड्स द एज ऑफ ड्राइडेन या रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, जो 1662-17000 टू बिलोंग फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखते हैं हमारा जो रेस्टोरेशन पीरियड में देखते हैं कौन कौन से पोएट फ्रेंड्स इसमें आते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं फ्रेंड्स रेस्टोरेशन एज राइटर्स में जो है जॉन ड्राइडेन है, सेमुलस वेल्टर है, वेटलर है, और अब्राहम कॉली। नेक्स्ट है जे वैनियंस है। नेक्स्ट है डब्लू कैंग्रेव, जॉर्ज फारक्वेयर है। नेक्स्ट है टी ओ वे, नेक्स्ट है नाथनल्स ली, निकोलस राव फ्रेंड्स। तो ये सारे पोएट हैं जो रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते हैं। आई होप अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे द एज ऑफ न्यू क्लासिकल एज है, जिसे हम 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। एक बार हम पीरियड्स बता तो चुके हैं आप लोगों को, असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो न्यू क्लासिकल एज में कौन कौन से पोएट आएंगे उसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को, जो 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है। ही इज 18वीं सेंचुरी बिलोंग टू अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडेन, स्टील एडिसन, ओ गोल्ड स्मिथ फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारे लोग हमको इनका हमें ड्रामा प्रोज पोएट्री में कुछ ना कुछ पढ़ना है इन लोगों को, इसलिए हमको लगा कि ज्यादा जरूरी है आपको बताना, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि द रोमांटिक एज वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स। जितने रोमांटिक एज के पोएट हैं सारे के बारे में हमें पढ़ना है, तो आई एम इंक्लूड इन दिस। देखिए यहाँ पे देखिए हम इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं कि रोमांटिक एज के राइटर्स जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ है, चार्ल्स लैम्ब है, पीबी सेली है, जॉन कीट्स है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये हमारे जो सिलेबस में है इनके हमको पढ़ना है, रोमांटिक एज के पोएट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, रोमांटिक एज फिनिश हुआ तो यहाँ पे विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज के पोएट के बारे में हम बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर विक्टोरियन एज के पोएट हमारे दिए हुए हैं एएल टेंसन, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू रेनॉल्ड और जे रस्किन्स और आरियल स्टीवेंसन। आई होप फ्रेंड्स ये भी मेरे सिलेबस में सारे पोएट्स है, तो पूछ सकता है सिलेबस में जो चैप्टर में दिया हुआ है इनका प्रोज पोएट्री का, उसमें पूछ सकता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग किस एज से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, किस एज के राइटर हैं, तो विक्टोरियन एज के हैं फ्रेंड्स। तो आई होप अंडरस्टूड कि आई एम एक्सप्लेन बाई इन दिस टॉपिक्स वेरी बेनिफिट होगा यदि आप इसको देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जो है फ्रेंड्स इस एज से बिलोंग करने वाले जो है राइटर्स यहाँ पे देखेंगे जॉन मैसफील्ड, इनके बारे में भी इनकी रचना में पढ़ने हैं, डब्ल्यू बी ईड्स के भी बारे में पढ़ना है, एच टी एलियट्स भी हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे जी बी सो हैं जो आर्म्स एंड द मैन लिखे हुए हैं इनके बारे में पढ़ना है, जॉन ग्लेसवर्थी का भी, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। ये भी हमारे सिलेबस में पूछ देगा कि ये किस एज के पोएट हैं, किस एज के जो ड्रामेस्टिक हैं, राइटर हैं, आथर हैं, तो मॉडर्न एज के हैं फ्रेंड्स। आई होप अंडरस्टूड। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर हम अमेरिकन ऑथर्स एंड वर्क्स, तो आई एम डू नॉट इंक्लूड वर्क्स फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। यहाँ पे देखेंगे हम बस अमेरिकन ऑथर्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, डब्ल्यू टी वाइटमैन्स फ्रेंड्स, तो इनके बारे में मैं इनका एक जो हमें वर्क पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे रॉबर्ट फॉस्ट के वर्क पढ़ने हैं, और डब्ल्यू फ्लैट नर्स के वर्क भी पढ़ने हैं, और ये नेक्स्ट हेमिंग वे फ्रेंड्स, तो शायद हाय वदन है इनका जो हमें, नहीं नहीं फ्रेंड्स हाय वदन नहीं है, आई मिस। तो देखेंगे हम ये जो है हमारी अमेरिकन राइटर्स हैं, हम यहाँ पे इनके वर्न और डेथ भी रखे हुए हैं, तो आई होप आप देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन राइटर आथर्स जो है राइटर हैं, देखेंगे यहाँ कमला दासन इंसलेस्किल हैं, और आर के नारायण है, मुल्कराज आनंद है, तो ये इंडियन राइटर्स हैं, और जो कुछ सब हैं हम मोस्ट बस रखे हुए हैं। आई होप कि अंडरस्टूड फ्रेंड्स। मैं यहाँ से अलविदा लेना चाहती हूँ आप लोग को।
प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना डू नॉट फॉरगेट।